किसी भी प्रकार के जीवन को बनाना मुश्किल है। हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो सबको देखने के हिसाब से वो बिल्कुल इंसान नहीं है। तो दोस्तों, बॉलीवुड खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बहुप्रतीक्षित फिल्म बड़े मियां छोटे मियां जल्दी बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। आलिया भट्ट जफर द्वारा निर्देशित इस फिल्म का टीजर जल्दी आने वाला है। फिल्म का टीजर देखने के लिए दर्शक जितने उत्सुक है उससे ज्यादा फिल्म की टीम इस टीजर को रिलीज करने के लिए उत्सुक है। वही अब तक फिल्म से 3 से 4 BTS पिक सामने आई है और अब फिल्म की हाइप और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां ईद के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इससे पहले करीब 75 दिनों का प्रमोशन किया जाएगा। यह एक्शन कॉमेडी ड्रामा संगीत और थ्रिल के साथ एक बड़ी फिल्म है। आलिया भट्ट जफर द्वारा निर्देशित इस फिल्म को उन्होंने ही लिखा है। वही वासु भगनानी, दीपिका देशमुख, जैकी भगनानी, हिमांशु किशन मेहरा और आलिया भट्ट जफर ने फिल्म को निर्मित किया है। यह फिल्म 2024 के दौरान 5 भाषाओं में रिलीज होने के लिए तैयार है। इस फिल्म की खास बात यह भी है कि इस फिल्म का मेन विलन पृथ्वीराज सुकुमारन काफी पावरफुल होने वाला है। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट के मुताबिक बड़े मियां छोटे मियां में पृथ्वीराज के किरदार का नाम होगा कबीर, जो कि एक ब्रिलियंट रोबोटिस्ट है, यानी रोबोटिक साइंटिस्ट है। कबीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक ऐसा रोबोट बना रहा है जिसने इंसानों पर काबू पा लिया है। खबरें हैं कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का किरदार पृथ्वीराज सुकुमारन के कबीर के किरदार के खिलाफ होगा। वो दुनिया को इस आर्टिफिशियल तरीके से बने रोबोट से बचाएंगे और कबीर को रोकने की कोशिश करेंगे। मूवी में कुछ हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स भी है जिन्हें स्कॉटलैंड, लंदन, इंडिया और UAE जैसी जगहों पर शूट किया गया है। वैसे दोस्तों, आप इस फिल्म के टीजर के लिए कितने एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी अक्षय कुमार के डायहार्ड फैन हैं तो ऐसे ही अक्षय कुमार की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।